हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है मैन एंड डेज, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का एक पार्ट है ना, और हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और आसान सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि मैन एंड डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैन एंड डेज, ठीक है, इसको मैन एंड डेज टॉपिक कहा जाता है। जनरली इसमें विमेन भी होती है ऐसे, बट एक्चुअली क्या है कि मैन एंड डेज कहा जाता है टॉपिक को, ठीक है। तो चिल्ड्रन भी होते हैं, ठीक है, मैन होते हैं, ठीक है, विमेन, ठीक है, विमेन, ठीक है, चिल्ड्रेन, ठीक है, बॉयज गर्ल्स कुछ भी आ सकता है, बॉयज गर्ल्स, ठीक है। तो ये है, तो मैन एंड डेज का ये जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या करता है ना, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन है। मतलब ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कहने का मतलब कि कंपेयर करने का मतलब कि जैसे सपोज कि कुछ आदमी, कुछ मैन मिलकर कोई काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, और उसी और बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए कहा कि 15 आदमी कोई काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, 15 मैन कोई काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। तो ऐसा पूछ सकता है कि 20 आदमी काम को कितने दिनों में करेंगे, 20 मैन काम को कितने, तो एक कंपैरिजन है ना। बेसिकली क्या है, दिस इज ये कंपेयर करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप जब कंपेयर करते हैं तो हमें एफिशिएंसी पता चलती है कि मैन का और वुमेन का, फिर कंपेयर होता है कि क्या एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो आपको समझना है, वो होता है, इम्पॉर्टेंट है ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, आपको समझना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे M1, ठीक है, D1, H1 बाय W1, ठीक है, W1, ठीक है, W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2, ये एक कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये कंपैरिजन फॉर्मूला है। अब इसका मतलब आप समझिएगा हर चीज का मतलब। M4 मैन, ठीक है, मैन या वुमेन कुछ भी है, जैसे वुमेन को आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ जो पर्सन है उसका होगा, ठीक है, मैन, ठीक है, वुमेन, ठीक है, चिल्ड्रेन, बॉयज कुछ भी होगा। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो यहाँ पे अगर मैन है, यहाँ पे अगर मैन है तो इधर भी मैन होना चाहिए। मैन और मैन का मतलब सेम जेंडर या सेम टाइप ऑफ जो यहाँ पे दिए हुए हैं, सेम टाइप का कंपेरिजन होगा, ठीक है। जब यहाँ कंपेयर करेंगे तो मैन होगा तो यहाँ पे मैन होगा, इधर वुमेन होना चाहिए होगा तो इधर भी वुमेन, इधर बॉयज तो इधर भी बॉयज, इधर चिल्ड्रेन तो इधर भी बॉयज। तो कंपेरिजन जो होगा सिमिलर चीजों में होगा, ठीक है, सिमिलर जो सिमिलर है उन पे कंपेयर होगा। डी मतलब आपका होता है डेज, ठीक है, डी मतलब डेज, ठीक है, एच मतलब आवर, एच मतलब आवर, ठीक है, और आपका जो है डब्लू, डब्लू मतलब होगा वर्क, ठीक है, वर्क हो सकता है, ठीक है, या एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, वर्क या एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये फार्मूला समझना था, इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला आपके लिए, है ना, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला आप इसी फार्मूला को यूज के हम करके हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए, जैसे एक सवाल मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं लिखता हूँ 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, मैं ऐसे लिखा हूँ, इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज 25 मैन कैन डू दी सेम वर्क, ठीक है। कह रहा है कि 15 आदमी कोई काम को 12 दिनों में करता है, तो बताइए कि 25 आदमी काम को कितने दिनों में करेगा। तो अभी MDH का फॉर्मूला होता है, अब जैसे MDH by W, ठीक है, M1 D1 H1 by W1 इक्वल टू MDH by W, M2 D2 H2 by W, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो अब देखिए इसमें सिर्फ डेज दिया है, एम दिया है, वर्क और आवर नहीं दिया है, तो इसको आप नहीं लिखेगा, इसको आप नहीं लिखेगा, इसको आप नहीं लिखेगा, सीधा लिखे तो 15 आदमी, 15 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ठीक है, 15 आदमी 12 दिन, ठीक है। कंपेयर करेंगे किससे, 25 आदमी कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो ये इसको हाउ मेनी डेज को निकालें तो ये होगा 5, ये सॉरी ये हो जाएगा 3, 3 5 5 25, और है ना, 5 3 15 5 5 25, ये 48/5 आपका आएगा आंसर, यानी 25 आदमी आपका 9.6 डेज में काम को कर पाएंगे, 9.6 डेज में काम को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे काम बराबर हो रहा है,
ना, काम बराबर कह रहा है, जैसे देखिए काम को बराबर कर रहे, वर्क इक्वेट कर रहे हैं ना, वर्क को इक्वेट कर रहे, जनरली वर्क को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, समझे, वर्क को इक्वेट, जैसे 15 आदमी 12 दिन में कोई काम कर रहे तो टोटल वर्क 15 गुना 12 कर देंगे ना, तो इक्वेट करते हैं हम, क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं ना। चलिए अगला सवाल, सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कह रहा है 25 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन कंप्लीट दिस सेम वर्क। यदि 25 आदमी एक काम को 36 घंटे में पूरा कर सकता है तो 12 आदमी उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, तो 25 आदमी 36 घंटे में, तो 12 आदमी कितने दिन में, तो 12 या 36 75 घंटे, क्या होगा, 75 घंटे, 75 आवर्स। सीधा सवाल, एकदम सिंपल सवाल, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, ठीक है, ये जो है ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है 22 मैन 22 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, इन हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 होल 1/2 डेज, ठीक है, उसमें कह रहा था, देखिए इस सवाल में पूछ रहा था कि कितने दिनों में कितने घंटे में पूरा करेंगे, इसमें आदमी के बारे में पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं, 22 आदमी एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 5 जमा 1/2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो 22 आदमी 7 दिनों में, काम कितने दिनों पूरा, 5 दुनी 10 11, 5 होल 1/2, 5 होल 1/2 क्या 11/2, और आदमी की जरूरत है तो यहाँ पे आदमी का हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 दुनी 22 और 7, ये जो जाएगा 7 दुनी 14 दुनी 28, तो ये हो जाएगा 28 आदमी की जरूरत पड़ेगी, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 28 आदमी की जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल, यदि इफ 20 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज, देन हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज, अरे यदि 20 आदमी एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाने चाहिए, सेम सवाल है, 20 आदमी काम को 48 दिनों में करते हैं, ठीक है, तो 40 दिन में कितने आदमी लगेंगे, तो 20 गुना 2 2 24, तो कितने आदमी लगेंगे, 24 आदमी लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे, 24, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है 7 मैन कैन पैक 14 बॉक्सेस इन 6 डेज बाय वर्किंग 7 आवर्स अ डे, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय 14 मैन टू पैक 18 बॉक्सेस इफ दे वर्क फॉर 9 आवर्स अ डे, कह रहा है 7 आदमी एक दिन में 7 घंटे काम करके 6 दिनों में 14 डब्बे पैक कर सकते हैं, 14 आदमी 18 बक्सों को पैक करने में कितने दिन, 14 आदमी को 18 बक्सों को पैक करने में कितने दिन लगेंगे यदि वे प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं, तो देखिए MDH/W, ये जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, D1H1/W का जो फॉर्मूला बताया था, M2D2H2/, ये जो फॉर्मूला बताया था ये आपको यहाँ पे आप समझ में आएगा कि सारी चीजें यहाँ पे है, ठीक है, देखिए एम मतलब कितने आदमी, 7 आदमी, डेज मतलब कितने डेज लग रहे हैं, 6 दिन, ठीक है, आवर कितने ले, 7 आवर्स, और जो 14 बॉक्सेस है ये इनका काम है, ये जो 14 बॉक्सेस जो पैक कर रहे हैं ये क्या है, ये है वर्क है इनका, क्या है, वर्क है, तो वर्क नीचे आ जाएगा, 14 बॉक्स पैक करते हैं, उसी तरह M2 क्या है, 14 मैन है, ठीक है, 18 बॉक्स पैक कर रहे हैं, 9 आवर्स ले रहे हैं, तो डे निकालना है, यहाँ पे डे निकालना है और यहाँ पे 18 बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 9 दुनी 18 2 7 7 7 7 दुनी 2 3, तो डे बराबर कितना आ जाएगा, 3 दिन लगेगा, रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, 3 डेज, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि 15 बॉयज कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 12 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, यहाँ पे देखिएगा आप समझिएगा अच्छे से, 15 बॉयज एंड 12 गर्ल्स वर्क टूगेदर, देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गेट कम्प्लीटेड, द वर्क गेट विल द वर्क गेट कम्प्लीटेड, कह रहा है 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 12 लड़के उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ पे बॉयज है यहाँ पे गर्ल्स है, ठीक है, तो हमें इनके बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा और इनके बीच का जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन निकालेंगे वो रिलेशन हमें एफिशिएंसी के रूप में निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी एफिशिएंसी के फॉर्म में निकालना पड़ेगा ना, एफिशिएंसी के फॉर्म में, ठीक है, एफिशिएंसी के फॉर्म में, तो जो रिलेशन होगा वो एफिशिएंसी के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, तो देखिए 15 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज और सेम काम को 12 गर्ल्स जो है वो 15 दिनों में करती है, तो अभी हम गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी के टर्म में, तो ये हो जाएगा 15 15 गया, ठीक है, और 10 12, यानी ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यानी 5 बॉयज बराबर 6 गर्ल्स है, ये आपका रिलेशन निकला कि 5 बॉयज जितना काम को, मतलब 5 बॉय मिलके जो काम को करते हैं वही काम को करने में 6 गर्ल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है,
तो कह रहा है कि 15 बॉयज, 15 बॉयज, तो यानी 15 यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15 बॉयज बराबर कितने, 18 गर्ल्स होंगे। अब देखिए हमें गर्ल्स गर्ल्स में हम वो करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो देखिए 12 गर्ल्स काम को 15 दिनों में करती है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 15 बॉय और 12 गर्ल्स मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 15 बॉय बराबर कितना हो गया 18 गर्ल्स, तो 18 और 12 कितना हो गया, देखिए 12 गर्ल्स दिया हुआ है, 18 प्लस 12 क्या हो जाएगा आपका 30 गर्ल्स हो जाएगा। तो 30 गर्ल उसी काम को कितना दिन में करेगी, तो 15 दूनी 30, 2 छक्के यानी 6 दिन में करेगी, कितने दिन में, 6 दिन, 6 डेज, 6 डेज, तो हो जाएगा आंसर आपका। अगला सवाल, अगला सवाल का है 32 वर्कर्स वर्किंग 9 आवर्स अ डे कैन फिनिश अ वर्क इन 14 डेज, ठीक है। इफ इच वर्कर वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 18 डेज, ठीक है। एक दिन में 9 घंटे काम करने वाले 32 कर्मचारी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है, तो उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए श्रमिकों को की आवश्यकता होगी, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए कह रहा 32 वर्कर, 32 वर्कर, अब यहाँ पे वर्कर जो मेन वाला जो बात वाला था, मेन जो है मैम की जगह वर्कर्स आ गया, 9 आवर्स पर डे, 14 दिनों में करते हैं, ठीक है। अगर हर एक वर्कर 8 घंटे करते, देखिए यहाँ पे कितने वर्कर की आवश्यकता है, तो वर्कर लिख दिए, ठीक है, हर वर्कर 8 घंटे कर रहे हैं और 18 दिनों में कंप्लीट करना, तो कंपेयर कर दिए, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 8 चौके 32, 2 दूनी 4, यानी वर्कर की जरूरत कितने वर्कर की जरूरत होगी, 28 वर्कर की जरूरत होगी। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल, कंपेयर करना है बस और आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। देखिए एक सवाल ही अच्छा सवाल है, ये सवाल समझिएगा बढ़िया से, ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। 15% बिगिन टू वर्क टूगेदर ऑन ए जॉब, बट आफ्टर सम डे 6% लीव, ठीक है। एज ए रिजल्ट द जॉब विच कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 42 डेज इज कंप्लीटेड इन 54 डेज, आफ्टर हाउ मच डे, हाउ मेनी डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क डिड 6% लीव। कह रहे हैं कि 15 व्यक्ति एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं, परिणाम स्वरूप जो कार्य 42 दिनों में पूरा किया जा सकता था, वो 54 दिनों में पूरा हो जाता है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 6 व्यक्ति चले गए, ठीक है। देखिए कह रहा है 15 व्यक्ति ने स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद 6 व्यक्ति छोड़ दिया, तो 15 व्यक्ति जो है वो 42 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 15 व्यक्ति 15% 42 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन 6 लोग छोड़ने के बाद, कुछ दिन छोड़ने के बाद काम 54 दिन में हुआ। तो अगर हम समझते हैं कि लेट आफ्टर सिक्स, आफ्टर एक्स डेज 6% लेफ्ट, कह रहा है कि मान लो मैं कहता हूं कि एक्स डे के बाद, एक्स दिन के बाद 6% लेफ्ट हो गया, तो 15 व्यक्ति काम को 42 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो 15 दिन, 15 व्यक्ति पहले 6 दिन तक काम किए होंगे, सॉरी एक्स दिन तक काम किए होंगे, 6% जो है, 6 आदमी वो एक्स दिन के बाद, एक्स डेज के बाद छोड़ देता है, तो 15 व्यक्ति पहले एक्स डेज काम किए होंगे, फिर 6 व्यक्ति छोड़ दिया, मतलब 6% छोड़ दिया, ठीक है। तो 9% बचा, 9 आदमी बचा, 9 आदमी बचा, और 9 आदमी अब कितना दिन काम करेगा, अब क्या काम 54 दिन में हो रहा है, तो 54 माइनस 1 काम करेगा, ठीक है, काम को बराबर कर रहे हैं, काम को बराबर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15 और 3 5 15, 42 5 210 होता है और 5x होता है, 54 3 162 होता है, -3x होता है, ठीक है। तो 38 और 10 48 इधर हो जाएगा और इधर 2x हो जाएगा, x बराबर आपका 24, मतलब 24 दिन के बाद 6 व्यक्ति लेफ्ट हो गए थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, समझिएगा इस क्वेश्चन को बढ़िया से, थोड़ा समझिएगा, है ना, समझ मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर कोई चीज में आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत उसमें नहीं है, कोई परेशानी उठाने की झंझट, कोई परेशानी करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, है ना, हमें पूछिए, हमें बताइए, जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, है ना। करें अ मशीन एक्स कैन प्रोड्यूस 100 वोल्ट्स इन 4 आवर्स एंड अनदर मशीन वाई कैन प्रोड्यूस 100 वोल्ट्स इन 12 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स कैन मशीन एक्स एंड वाई वर्किंग टुगेदर एट देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टेंट रेट्स प्रोड्यूस 1000 वोल्ट्स, अच्छा 1000 वोल्ट्स ना, 100 मैंने बोल दिया होगा शायद, 100 बोल दिया, अच्छा चलिए 1000 गलती से बोल दिया होगा, 100 1000 वोल्ट्स है। क्या मशीन एक्स 4 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन करती है और दूसरी मशीन वाई 12 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन करती है, मशीन एक्स और वाई अपनी अपनी स्थिर दरों के पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1000 वोल्ट का उत्पादन कर सकती है। तो पहले हमें एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, मशीन एक्स और वाई के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा कि इनकी एफिशिएंसी कंपेयर करनी पड़ेगी। तो मशीन एक्स 1000 वोल्ट का उत्पादन करती है, तो 1000 क्या है इसका, इनका काम है
4 घंटे में, 4 घंटे में 1000 वोल्ट उत्पादन करती है। मशीन वाई, ठीक है, मशीन वाई 12 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन करती है। ठीक है, तो 1000 1000 कैंसिल, तो 4 3 12, मतलब एक्स जो है वो 3 वाई, मतलब मशीन एक्स जो है 3 गुना एफिशियंट है आपका वाई से। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो एक्स बराबर 3 वाई, तो वाई का कंपेयर करते हैं, तो वाई जो है 4 घंटे में, मशीन वाई 4 घंटे 12 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन करती है, 12 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन करती है। तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स बराबर 3 वाई, और एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई आपको हो जाएगा 3 वाई प्लस वाई, यानी 4 वाई। ठीक है, तो 4 वाई हो जाएगा, वो कितने देर में 1000 वोल्ट का उत्पादन करेगी, 1000 1000 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई, वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 12, मतलब ये हो जाएगा 3, तो दोनों मिलकर 3 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन कर देगी, 3 घंटे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाँ, ये सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। अभी मैंने इसे पहली वाली क्लास में टैंक वाला दिया था ना, तो ये टैंक वाला, टैंक एंड मेनेंडेज दोनों मिक्स सवाल है, ठीक है, अच्छे समझिएगा। 8 टैप्स हैव द सेम फ्लो ऑफ वाटर, मतलब देखिए ये जो सवाल आप जब पढ़ रहे हैं ना, अभी तक जितने मेनेंडेज वाले सवाल पढ़े हैं, मेनेंडेज, ठीक है, उसमें जितने भी मैन के बारे में बोल रहे हैं, वुमेन के बारे में, पर्टिकुलर जो पर्सन है, पर्टिकुलर जो चीज़ है, जो स्पेसिफाई कर रहा है, उनका एफिशिएंसी सेम रहता है, जनरली एफिशिएंसी सेम रहता है, एफिशिएंसी सेम होता है, ठीक है, जनरली एफिशिएंसी सेम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो 8 टेप्स, 8 टैप्स हैविंग द सेम फ्लो ऑफ वाटर फिल अ टैंक इन 27 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स 2 टैप्स वेंट आउट ऑफ सर्विस, द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय द रिमेनिंग टैप्स इज, पानी के समान प्रवाह वाले 8 नल एक टैंक को 27 मिनट में भरते हैं, 3 मिनट के बाद 2 नल खराब हो गए, शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय है। ठीक है, तो वही कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, 8 टैप है, 27 मिनट में भरते हैं, कह रहा 3 मिनट बाद 2 टैप खाली हो गए, तो 8 टैप पहले 3 मिनट तक काम किया, उसके बाद 6 टैप काम किया, और वो कितने देर काम किया अभी हमें पता करना है, कितने देर तक काम किया वही उसका आंसर हो जाएगा, कि रिमेनिंग टैप जो है कितना, जो टाइम टेकन बाय द टू फिल द टैंक बाय रिमेनिंग टैप, तो जो 6 टैंक है वो कितने समय में भरा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8, इधर हम 27 माइनस 3 कर देंगे तो 24 हो जाएगा, 27 कॉमन ले लेंगे ना, 27 माइनस 3 24 होगा, 6 गुना क्वेश्चन मार्क, तो 8 गुना 24, 6 गुना क्वेश्चन मार्क, 6 6 24 मतलब 32, यानी 32 मिनट आपका लगेगा। ठीक है, 32 मिनट आपका लगेगा जो बचे हुए नल है उनको भरने में, बचे हुए नल को भरने में कितना टाइम लगेगा, 32 मिनट। तो सवाल ये है कि अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 56 मशीन्स टू मैन्युफैक्चर अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 144 डेज, हाउ मेनी मशीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 96 डेज, करें एक फैक्ट्री को 144 दिनों में दी गई वस्तुओं की संख्या के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है, 96 दिनों में समान संख्या में वस्तुएं बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मतलब 56 मशीन, ठीक है, 144 दिन में कोई सामान यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो कितने मशीन 96 दिन में ही समान प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, तो 12 8 96, 12 12 हैं, 4 2 4 3, ठीक है, 2 28, यानी कितने दिन में करेंगे, 28 3 84, ठीक है, कितने दिन में करेंगे, 84 दिनों में, 84 डेज में, 84 डेज में आपका, सॉरी 84 मशीन, ठीक है, 84 मशीन आपका कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, 84 मशीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 84 मशीन की जरूरत होगी 96 दिनों में समान वस्तु को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो चलिए ये था आखिरी सवाल, ठीक है, आखिरी सवाल, और जो टॉपिक था टाइम एंड वर्क वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी मैंने कराया है, आपको सब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आसान क्वेश्चन थे सारे, है ना, आसान थे, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है थोड़ा तैयारी, अगर मॉक वगैरह लगाना स्टार्ट नहीं किया तो प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट में जाइए, है ना, प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट में जाइए, यहाँ पर फुल मॉक अवेलेबल है, फुल मॉक, ठीक है, जाइए फुल मॉक अवेल कीजिए, ठीक है, और देखिए आप कितना टाइम में क्या प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, और ऑलमोस्ट हमने हमारी जो क्रैश कोर्स है उसके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, कुछ कुछ बचे हैं, आई थिंक वो कुछ नेक्स्ट 2 3 डेज मतलब 4 5 दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जाइए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, और जो बचे हुए टॉपिक हैं
ठीक है, वो सिंपल और सारे टॉपिक्स हैं जो कुछ दिनों में आपके कवर हो जाएंगे। तो मॉक देना स्टार्ट कीजिए, मॉक में देखिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और आप अच्छे से दीजिए मॉक, है ना। तो अभी से तैयारी कीजिए, 10 जनवरी से आपका एग्जाम है ना, 10 जनवरी से एग्जाम है। तो चलिए एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है, चलती है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।